अधिक समय यहाँ छत्तीसगढ़ में रहने का भगवान रामचंद्र जी का क्या कारण रहा कि अधिक समय यहाँ रहे? कारण यही है कि भगवान राम छत्तीसगढ़ से इनका जुड़ाव पहले से रहा जी, क्योंकि उनका ये ननिहाल है जी। इसलिए ननिहाल है तो इसका मतलब भगवान राम बचपन में भी आए रहे होंगे अपने हाँ, ननिहाल हाँ, इसलिए चिर परिचित लोग और चिर परिचित स्थान हाँ, ये था ही उनके लिए। और ननिहाल या मामा का घर सबसे प्रिय स्थान होता है जी, सही बात। तो ये उनका जाना पहचाना स्थान, जाना पहचाने लोग थे यहाँ पे, इसलिए भी अधिक समय बिताने का कारण भगवान राम का ये भी एक प्रमुख कारणों में एक कारण है। इसलिए इतिहासकार, पुरातत्वविद और अनेक विद्वानों का मत है कि 14 वर्ष के वनवास काल के समय अधिकांश समय लगभग 10 से 12 वर्ष वो दंडकारण्य क्षेत्र में रहे, अर्थात छत्तीसगढ़ में रहे, इधर सरगुजा से लेकर बस्तर तक अधिक समय उनका यही बीता। जानकारी प्राप्त करके बड़ा सुखद अनुभव हुआ। और अभी हम लोग जिस स्थान पर हैं, ये जगह है सीता भेंगरा रामगढ़ हथफोड़ में। अभी हम लोग यहाँ का दृश्य नज़ारे का आनंद उठाते हुए, और हमारे साथ में बड़े भैया जी लोग हैं, और मैं इनसे भी परिचय करवाऊंगा। अभी हथफोड़ से हम लोग इस पार से उस पार गए थे, पश्चिम दिशा से पूरब की ओर, और पूरब की ओर से फिर पश्चिम दिशा की ओर बाहर आ गए हैं। ये जो नज़ारा है ये सीता बेंगरा के ठीक नीचे का दृश्य है, हथफोड़ जिसको कहा जाता है। ये जो हथफोड़ है ये इसको देखने से ऐसा लगता है कि हाथी इससे पार होते हैं, बिल्कुल हाथी पार होने के नमूने में है ये पहाड़, इसलिए इस सुरंग को हथफोड़ माना जाता है। और ये सरगुजा के उदयपुर विकास खंड के रामगढ़ के नीचे में है, ये सीता बेंगरा के नीचे। आइए मैं परिचय भी करा देता हूँ भैया जी से। भैया जी आपका परिचय? पूर्णेंद्र सिन्हा जी, आप धर्म जागरण के प्रांत के संयोजक हैं और आपका निवास कवर्धा में है जी। जी जी, मेरा नाम है दीपक राम, मैं धर्म जागरण का काम करता हूँ यहाँ जी, केंद्र अंबिकापुर जी। धन्यवाद भैया जी, और बहुत अच्छा हमारे बड़े भैया जी श्री राम जी के जो 14 वर्ष के वनवास काल में हमारे छत्तीसगढ़ में यहाँ कितने समय बिताए उसके बारे में जानकारी दिए। भैया जी को भी बहुत बहुत सादर धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय जय श्री राम।